हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरा मेहंदी आर्ट। आज हम पैकिंग पन्नी से कीप बनाना सीखेंगे। कीप बनाने के लिए एक टेप, एक पन्नी 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 17 सेंटीमीटर लंबा पैकिंग पन्नी, एक रबड़ और एक मेहंदी की कीप की ज़रूरत होगी। कीप बनाने के लिए पहले पन्नी को एक बार मोड़, फिर दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। इस पन्नी को चार बार हम फोल्ड करेंगे। इस तरह जो हमने चौथी बार मोड़ा है, ऐसे फोल्ड करके हम यहाँ पर टेप लगाएंगे, थोड़ी छोटी इस तरह से। टेप लग के ये कुछ इस तरह दिखेगा। हमने यहाँ पर टेप लगाई है। कीप में ये खुले पार्ट को कवर करने के लिए हमें इसमें टेप लगाना पड़ेगा। टेप को हम कुछ इस तरह लगाएंगे, ये जो खुल जहां पे हमने लास्ट टेप लगाई थी उसके ऊपर से। टेप इस तरह लगाना है कि पन्नी मुड़े ना किसी तरह से। हाथों को अंदर से टाइट करके पकड़े। इसी तरह से टेप लगाते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा टेप बच गई है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस खुले हिस्से को टेप लगा देंगे ताकि अंदर से भी पूरा कवर हो जाए। टेप हमें इस तरह से लगानी है। ये जो खुला हिस्सा है हमारा, ये वाला, इसको हम टेप से यूं ढक दें। टेप लग के ये कुछ इस तरह दिखेगा। कीप के ये खुले हिस्से को ढकने के लिए हमें छोटी सी टेप लगानी है, वो भी नोक पे, बिल्कुल ऐसे टेढ़ी करके लगानी है। और ये जो एक्स्ट्रा बच जाए उसे गोल से कवर कर लेना। तो फ्रेंड्स, हमारी कीप बनकर तैयार हो जाएगी। फिर हम इसमें मेहंदी फिल कर देंगे। अब हम कीप में मेहंदी फिल करेंगे। इस कीप में हमने मेहंदी को पूरी भर दिया है। अब हम यहाँ पे इसको टाइट करके रबड़ लगा देंगे। ये जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम यूं मोड़ लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमारी कीप बनकर तैयार हो चुकी है।